मेरा नाम है अमित खट्टर और हम पावर मिल 2020 में मिलिंग के ऑपरेशन कर रहे हैं। आज हमने करना है अंडरकट ऑपरेशन। इससे पहले हमने जो किया था वो था मॉडल एरिया क्लीयरेंस। पिछला ट्यूटोरियल जो हमारा मॉडल एरिया क्लीयरेंस का था, आज हम करने वाले हैं अंडरकट। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पे एक अंडरकट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखेंगे स्टेप बाई स्टेप के अंडरकट के लिए क्या क्या चीज़ हमारे को करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या करेंगे, हम एक मॉडल एरिया क्लीयरेंस लेके ये वाले एरिया को कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अंडरकट जब हम कटिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास टॉप आएगा, है ना। तो इस टॉप को पाने के लिए हमने एक मॉडल एरिया क्लीयरेंस चलाया, ठीक है। अगर आपको मॉडल एरिया क्लीयरेंस नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रोग्राम नंबर 30, 31, 32, 33, ये चार प्रोग्राम देख लेंगे तो मॉडल एरिया क्लीयरेंस काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप कट हमने ये लगाया, उसके बाद हमने नेक्स्ट ऑपरेशन किया अंडरकट के लिए। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि अंडरकट के लिए टूल कैसे क्रिएट करते हैं, अपने पसंद का अपने डायग जो हम वैल्यू देना चाहते हैं वो टूल कैसे क्रिएट होगा और क्या क्या ऑपरेशन करना है वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो मॉडल एरिया क्लीयरेंस भी हमारे को समझ में आ जाएगा और अंडरकट एरिया भी समझ में आ जाएगा। हम शुरू से बनाएंगे, ये मॉडल है हमारे पास, इसको शुरू से बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फाइल को कर देते हैं सेव और कर देते हैं क्लोज, ठीक है। क्लोज मैंने इसलिए कर दिया कि मैं शुरू से बना के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पावर मिल में से ये मॉडल उठाएंगे, इसको कॉपी करके पावर मिल में लाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एज ए मॉडल, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया कि मॉडल लेके आना है हमारे को। सेकंड चीज हमारे को करनी है, इसमें वर्क प्लेन क्रिएट करना है। तो वर्क प्लेन कहाँ पे होना चाहिए, वर्क प्लेन मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शंस होती हैं, यहाँ पर भी वर्क प्लेन की कई ऑप्शन होती हैं। तो हमारे को चाहिए किसी भी सरफेस के ऊपर, जब हम सिलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे आता है टॉप ऑफ द सिलेक्टेड सरफेस, ठीक है। यहाँ पे एट सेंटर जो हम चीज सिलेक्ट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आने लग जाता है। पर इससे बढ़िया ये तीन जो हमने बनाए, ये तीनों नहीं हमारे को चाहिए। ये मैं दिखा रहा था कि टॉप में भी रख सकते हैं सरफेस के, सेंटर में भी रख सकते हैं, हमें चाहिए इसके बिल्कुल 0-0 पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है रिवॉल्व, वर्किंग फ्रॉम रिवॉल्व सरफेस। तो कोई भी गोल सरफेस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये सेंटर आ गया, ठीक है। तो इससे बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गया। तो पहला काम हमारा क्या हो गया कि हमने वर्क प्लेन दे दिया। दूसरा काम हमारा क्या हो गया, दूसरा हमने बनाना है ब्लॉक। तो ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं हम। हाँ, ब्लॉक क्रिएट करने से पहले ना हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर ब्लॉक दोबारा से जनरेट करना पड़ता है। तो ब्लॉक को हमने एक्टिवेट कर लिया और यहाँ पे हमने कर दिया सिलेंडर टाइप। सिलेंडर टाइप में डायामीटर हमारा, ये जो पूरा डायामीटर है ये 160 का है और इसकी हाइट जो है 45 की, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखो कुछ स्टॉक इस तरीके से बन गए। अगर आपको इनर डायामीटर देना, इनर डायामीटर भी दे सकते हैं 40 का। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। ये हमने ब्लॉक क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो अभी देखने में बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे को पीस बनाना ही है वाला, तो पूरा गोल मटेरियल लाके कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये मॉडल के अंदर जो है ये जो कर्व है, यहाँ पे एक हमने कॉम्पोजिट कर्व बना रखी है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट कर्व बना लेंगे, दोबारा से बना देता हूँ मैं, यहाँ से कॉम्पोजिट कर्व लेंगे तो ये कर्व सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाउंड्री मैंने ले ली, ठीक है, और इस कर्व को कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे बाउंड्री में आके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट एज ए न्यू बाउंड्री। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमारे को ये वाला स्टॉक ब्लॉक नहीं बनाना पड़ता। तो
ब्लॉक में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है बाउंड्री की, हमारे को सिर्फ हाइट देनी है, तो जो हमारा स्टॉक है उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से बन जाता है जैसा हमारा पीस है। ठीक है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। सेकंड चीज, अब हमारे को बनाना है मॉडल एरिया क्लियरेंस का टूल बार, तो टूल बार में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके करेंगे। सिंपल जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि हमारे मॉडल एरिया क्लियरेंस के ना बहुत सारे टूल बार ऑलरेडी बन चुके हैं 3 से 4, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाते हम, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ ये दिखाने के लिए टूल बार बना रहे हैं कि कटिंग कहाँ पे होगी, है ना। वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि कटिंग कहाँ पे करना चाहते हैं हम, तो इसको कर देते हैं 40 mm की लेंथ और 12 mm का डायमीटर। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं, कुछ ज़्यादा मैं चेंजेस कर नहीं रहा हूँ। स्टेप ओवर वगैरह ठीक है हमारा, कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है कट जाएगा, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है कटिंग हो गई है ना, तो बहुत बढ़िया हो गया। तो इसमें भी हम यहाँ पे जैसे बाउंड्री में, जैसे ये टूल पाथ मेरा क्रिएट हुआ था, यहाँ पे भी हम लिमिट वगैरह दे सकते हैं कि उस लिमिट से बाहर ना जाए। सेटिंग में गए हैं तो यहाँ पे हम लिमिट लगा सकते हैं कि हमने एक न्यू लिमिट बनानी है, ये सरफेस से एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, ठीक है, तो वो टूल बार जो है इससे फिर बाहर नहीं जाएगा, उसके अंदर अंदर ही रहेगा, तो थोड़ा टाइम सेव हो जाता है और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, टाइम भी सेव हो जाता है और टूल जरा मेरा सही तरीके से चलेगा। तो अगर मैं अब जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी देखा था, स्टॉक मॉडल का क्रिएट कर लूँ मैं अगर, और इस टूल पाथ को ऐड कर दूँ स्टॉक मॉडल के अंदर, तो ये हमारे को दिखाने लग जाएगा, जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे को दिखाने लग जाएगा कि हमारा जो स्टॉक है वो कैसा बचा है ना। इसके बारे में डिटेल में हमने पिछले ट्यूटोरियल में वीडियो बनाई है, तो ये चीज़ हमारी बनने लग जाएगी, ठीक है, कि हमारा क्या मटेरियल कटा वो भी हम देख सकते हैं और क्या मटेरियल हमारा बचा वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो ठीक करने वाली मुझे लग रही है, देखो ये फ़ायदा हो गया ना, ये देखो हमारा टूल जो है वर्क पीस के साथ बीच में लग रहा है, तो इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा लीड इन लीड आउट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ये ब्लॉक सेंटर सेफ हो रखी है, यहाँ पे लीड इन में हॉरिजॉन्टल आर्क है, रैपिड हमारा है, ठीक है, रैपिड हाइट बहुत ज़्यादा है, इसको हम कर देते हैं कम, इसको भी कर देते हैं कम, ठीक है, और लीड इन हमारा हॉरिजॉन्टल आर्क है, बट ये एंगल को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में नहीं जाना लगना चाहिए, ओके हो गया। तो अब ये मेरा काम हो चुका है, अब मुझे लगाना है अंडरकट, तो ध्यान से देखना अंडरकट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अंडरकट के लिए एक्चुअल में मेरे को एक टूल क्रिएट करना पड़ेगा पहले, तो टूल मैं क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आती है हमारे पास क्रिएट टूल की, ये है टिप्ड डिस्क, ठीक है। अब हमारे को ये पता होना चाहिए भी हमारे को टूल कितना अंदर लेके जाना है, तो अंदर मेरा जो टूल है ये जो जगह है ये 10 mm की है, ठीक है, तो यानी ये टोटल जो है 20 mm का डाया हो गया कम से कम, पर उसमें हमारी शैंक भी लगनी है, तो अगर 10 mm की शैंक हो गई तो ये बड़ा हो गया हमारा टूल, 40 के करीब बना दिया हमने, और इसकी जो हाइट है ये भी हमारे को 20 mm चाहिए जितनी इसकी हाइट है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे होल्डर भी दे दूँ, यहाँ पे हम ऐड होल्डर कंपोनेंट कर देते हैं, और होल्डर नहीं करते सॉरी, होल्डर की बजाय हम शैंक देना, तो शैंक दे देता हूँ मैं 10 mm का, ठीक है, लेंथ जितनी मर्जी दे दो,
उसके हिसाब से मेरा टूल जो है क्रिएट हो जाएगा। तो आपको टिप कैसी चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये टूल है इसके अंदर जाना है, तो उसके लिए जगह होनी चाहिए यहाँ पे, कितने हमारे को साइज चाहिए। तो ये हमने क्रिएट कर लिया, टूल का नंबर हमारा है 2 नंबर टूल, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, 2 नंबर हमने टूल क्रिएट कर लिया। अब मुझे ऑपरेशन जो करना है उसका नाम है फिनिशिंग के अंदर पैटर्न फिनिशिंग, ठीक है। तो पैटर्न फिनिशिंग करने के लिए हमारे को, हमने टर्निंग में भी इसका प्रोग्राम बनाया पैटर्न फिनिशिंग का, तो पैटर्न फिनिशिंग करने के लिए हमारे को पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पावर शेप में आ जाता हूँ, और ये जो कट है जहाँ तक मुझे अंडरकट बनाना है ना, इस कर्व को मैं ऑफसेट कर लेता हूँ। कितना ऑफसेट करना है, ये मेरे को एक जितना इसका डायमीटर है, जैसे ये जो डिस्टेंस है ये 10 है, ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 10 ऑफसेट माइनस में, तो ये कर्व आ गई मेरी, ठीक है, और एक क्रिएट हो गई है मेरी कर्व, और ये कर्व जो है ये इसकी बिल्कुल सीध में है, यानी कि इतना तो मुझे मटेरियल काटना है। तो जो टूल होगा, क्योंकि हमने 40 एमएम का टूल लिया है, तो टूल होगा यहां तक, तो इस कर्व को भी मुझे, ये वाली जो मैंने कर्व अभी बनाई है, इस कर्व को मुझे फिर से ऑफसेट करना है -20, क्योंकि हमारा 40 का डायमीटर है, तो यानी टूल का जो सेंटर होगा वो इस कर्व के ऊपर मूव होना है, ठीक है। टूल का सेंटर जो है इस कर्व के ऊपर मूव करता है हमारे को, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे इस कर्व को, इस कर्व को ऑफसेट करेंगे, 1 एमएम का कट लगाना है मेरे को, और कितने कट लगाने हैं, 5 लगाने हैं। दोबारा से करता हूं, ऑफसेट करना है, इसकी हमने डायरेक्शन नहीं देखी, हमारे को 1 एमएम -1 एमएम का कट लगाना है, क्योंकि एरो की डायरेक्शन इधर है, हमें उधर को जाना है, ठीक है। और कितनी कॉपी बनानी है हमारे को, 5 कॉपी बनानी है -1 के हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरी 5 कर्व बन गई, यहाँ पे डिलीट करके देखते हैं, एक कर्व, ठीक है, तो ये मेरी 5वां कर्व बन गई। अब हमारे को ये जो कर्व हैं इनको सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट दबा के, ठीक है, और इन कर्व को कर लेता हूं मैं कॉपी, और यहां पे पैटर्न करने से पहले ही यहां पे पैटर्न में पेस्ट कर लेता, पेस्ट एज ए न्यू पैटर्न, तो वो कर्व हमारे पास यहां पे आ गई, तो हमारे पास एक पैटर्न क्रिएट हो गया यहां पे, ठीक है। तो अब हम टूल बार ले लेंगे, पैटर्न टूल बार, पैटर्न फिनिशिंग, ठीक है, ओके, तो पैटर्न फिनिशिंग में हमारे को पैटर्न चाहिए होता है, कितनी कर्व्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे मैं पैटर्न सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ भी काम करना नहीं पड़ा, सीधा मेरा पैटर्न कर्व लिया मैंने, और उसको ड्रॉप कर देना है हमने ड्राइव करके, जहां पे मेरी कर्व बनी हुई है वहां पे आ जाए, ठीक है। अब हमने स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी है, लिमिट हमारे पास ऑलरेडी है, टूल भी हमने चेंज करना है, टूल कौन सा, जो हमारा 2 नंबर टूल है, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ब्लॉक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी भी चीज की कोई चीज नहीं है, इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। सर हमने पैटर्न सेलेक्ट किया, ठीक है,
तो यहाँ पे लीड इन लीड आउट का ध्यान रखना है कि टूल मेरा लीड इन कैसे हो रहा है और लीड आउट कैसे हो रहा है। लीड इन लीड आउट की मैंने एक बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल बना रखा है, उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे को टूल को बाहर कैसे निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये मेरा टूल है जिसके साथ मुझे कटिंग करनी है, तो मैं सिमुलेशन में जाके इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। सही चल रहा है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा बिगिनिंग से करके स्पीड कर लेते हैं। तो ये एम बिल्कुल उसी कर्व के ऊपर चलेगा, पर अभी क्या हुआ, ये उल्टा हो गया, ये अंदर से बाहर को चल रहा है। जो पैटर्न बना वो अंदर से बाहर को चल रहा है, तो हमारे को जब हमने सिलेक्शन करनी है पैटर्न की, तो उसी टाइम हम इसको, जब हमने यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट किया था तो हमने बाहर से अंदर को सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो इसको अंदर से बाहर की ओर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, वहां पर भी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, पर ऐसे करना ज्यादा इजी है। तो हमने क्या करना है, पैटर्न में आके पेस्ट एज ए न्यू पैटर्न करना है और टूल पाथ में चेंज कर देना है पैटर्न। यहाँ पे दो नंबर कर दो, कैलकुलेट। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा जो है टूल पाथ चेंज हो जाएगा। तो जो हमने टूल पाथ बनाया है, इसको राइट क्लिक, यहाँ पे हमने स्टॉक मॉडल बना रखा है ना, तो ये वाले पार्ट को हम ऐड कर लेंगे अपने स्टॉक के अंदर, और इसको हम कर देंगे कैलकुलेट। तो ये हमारे को दिखाने लग जाएगा कि हमारा कितना मटेरियल जो है कटा है। ठीक है, अगर आपको और कट चाहिए तो आप और कट भी एक्स्ट्रा बना सकते हो। अभी तो ये हमने 5 लगाए हैं, तो 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 इतने कट लगाने, ताकि ये सारा मटेरियल जो है कट जाए। ठीक है, तो हमने ये जो ऑपरेशन किया था पहले, इससे पहले, तो उसमें हमने 10 कट लगा रखे थे। ठीक है, अब क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं उस सारी वे में नहीं जा रहा। देखो यहाँ पे हमने 10 कट लगा रखे हैं। ठीक है, तो आपको वैल्यूज ध्यान से भरनी है कि आपका टूल का डायमीटर कहाँ कितना है, कहाँ से आपको कर्व स्टार्ट करनी है और कहाँ पे जाके आपको ख़त्म करनी है। देखो ये पहली कर्व से स्टार्ट हुई है और एंड तक जाएगी। ठीक है, तो इसको हम चला के दिखा देता हूँ हमारे, और यहाँ से हम इसको स्टॉक भी देख सकते हैं कि हमारा कौन सा मटेरियल कटा है, वो हमारे को दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 mm कट लगाया तो ये 10 mm अंदर गया, ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई और एंड यहाँ पे हुआ। समझ में आई बात? तो जो आपको टूल चाहिए वो टूल आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सअप करके अगर आपसे बन जाता है तो ये मेरे को वीडियो बना के सेंड करनी है व्हाट्सएप पे। ठीक है, कि आपने क्या बनाया, तो मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी अच्छी बन गई है, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है जो लोग पावर मिल सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर 500 से ऊपर वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें मास्टर कैम की, एनएक्स की, डेल कैम की, प्रो की, कैटिया की, सारे जितने भी मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोकैड की, सॉलिडवर्क्स की, सबके ट्यूटोरियल हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।